से शुरू करेंगे। इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूही दत्ता, जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज रूही दत्ता एंड आई टीच बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय आईआईएम चुका कोलकाता। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, एज अ टीचर, व्हाट डू यू टेल पेरेंट्स टू कंसीडर एग्जाम्स as make or break situation for their children's future? Thank you, sir. As a teacher, हमें उन parents को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि exam से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है? बाकी इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूँ। मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय आपसे निवेदन है कि कृपया हमें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप ऐसे बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है, दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठा रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो तो पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसे ही बताए ना, सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, इसका इंकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, तो होगा तो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें तो ये एग्जाम 10वीं कक्षा की, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है। अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा तो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा, और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके भाग में बहुत बड़ी दुनिया होती है। और पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा कर, मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मना करता है, एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहरने जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है, कसौटी हमें कसती है,